बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सुबह का टाइम है और फ़िलहाल शबनम के कतरे जो है ना वो नज़र आ रहे हैं ऊपर मकई के पत्तों पर। ऐसे लग रहे हैं जैसे ना मोती चमक रहे हों। और माशाल्लाह हमारा साग जो है ना वो भी निकलना शुरू हो चुका है। ये वो साग तो नहीं है, वैसे इसको हम पका सकते हैं, लेकिन जो असल साग हमारे पास शुरू होगा ना, सब्जियों की काश्त और साग की काश्त, वो 4-5 दिन ठहर के होगी। क्योंकि काफ़ी इलाके हैं जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे ये साग आलू हर चीज़ की ना काश्त हो चुकी है, लेकिन हमारे पास गर्मी काफ़ी ज़्यादा है अभी भी। रात को तो काफ़ी मौसम अच्छा होता है, लेकिन दिन को उतना ही ख़राब होता है, धूप काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अभी ये मकई वाला है, ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग इसमें तो गंदम काश्त करेंगे ना। बाकी साग के लिए ज़मीन हमने उधर बना के रखी है। तो आज ही इंशाल्लाह आज के व्लॉग में हम लोग जो है ना बनाने वाले हैं अपना किचन। किचन की तैयारी जो है ना वो शुरू कर देंगे। आज तो नहीं बनेगा, आस्ता आस्ता जो काम है वो होता रहेगा। और मैं आई हूँ यहाँ पे थोड़ी देखने के लिए सुबह ही। आज माशाल्लाह से मौसम हमारे पास सुबह के टाइम ना धुंध थी हल्की हल्की, तो मेरी ख्वाहिश थी कि अभी से व्लॉग शुरू कर लें, लेकिन फजर बेटी को स्कूल भेजना होता है, तो फिर कोशिश होती है कि उसको जल्दी से तसल्ली से स्कूल भेज दें, बाकी काम बाद में होते रहेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं और चल के यहाँ से तुड़ी जो है ना वो देख लेते हैं, क्योंकि हमने बनाना है जी गारा। ये पहले वाली सरसों और बाद में फिर तारिक साहब ने छोटा लगाया, वो छोटी छोटी अभी निकली यहाँ से। वो इधर से हम लोग वो वाला निकालेंगे तुड़ी जो बिल्कुल ऐसे ना ख़राब हो चुकी है, वो नहीं, यहाँ से हमें निकालनी पड़ेगी। एक तो ये बारीक होती है ये वाली, और दूसरे नंबर पर जो है वैसे भी इसने ज़ाया जाना है, इसको जानवरों को तो डालना नहीं है, बिल्कुल नीचे से भी नहीं करनी, क्योंकि ये मोटे मोटे डंडे जो है ना ये इसमें ना हो तो फिर ज़्यादा साफ़ सफाई होती है। जब मैं लिपाई कर रही थी उस टाइम ये मोटे डंडे काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे। ये नीचे से निकल रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे हमने तुड़ी जो है वो सारी इकट्ठी कर ली है और अब हम लोग चलते हैं घर। तो मैंने बर्तन जो सुबह के नाश्ते वाले वो भी नहीं धोए, सुबह ही हम लोग आ गए हैं, क्योंकि फिर बाद में ना यहाँ पे काफ़ी सारी गर्मी हो जाती है। अभी यहाँ पे साया था दरख्तों का इस वजह से। तो ये हमारी तुड़ी जो है ना ये हमने इकट्ठी करके रख दी है, बस अभी इसको ना उठा लेंगे जब हमने इसके लिए गारा बनाना है। तारिक साहब जो है वो चले गए हैं उस साइड पे, क्योंकि उन्होंने ना पानी डालना है। ये पहले तो इधर लगा हुआ है ना गन्ने के खेत को, तो अभी इसको हमने लगाना है, इसको ये जो साथ वाला खत्ता है ना इसमें लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हमने करनी है सरसों की काश्त। तो तारिक साहब कहते हैं जितनी ज़मीन ठंडी होगी ना, अच्छा वतर होगा, उतनी ही अच्छी हमारी जो है सरसों होगी यहाँ पर। तो अभी वो वहाँ से ना पानी आगे से बंद करेंगे और इस साइड पे छोड़ देंगे। बाकी ट्रैक्टर हमने ना आज प्लॉटों को दूसरी साइड पे खड़ा कर दिया, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे यहाँ पे सारी सेटिंग होगी किचन की, और तरपाल वगैरह जो है ना वो भी उठा देते हैं। और सुबह ही गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तारिक साहब को काफ़ी सारे पसीने छूट रहे हैं। इधर कहाँ पे पानी लगा रहे हैं? पहली साइड नहीं भी इधर ले सकते सही रहता, उधर यहां आ जा सीधा ही थे हमने को नहीं इस जगह पे चलो ठीक हो गया, यहाँ से लगा रहे हैं। सामने आ गए ये पाइप हमारे कामयाब नहीं हुए, हो जैसे नहीं और लाने बड़ा पाइप लेकर आया ना ये, मैंने फिर दो इधर लगा दिए, पानी आता है इधर लेकिन थोड़ा बहुत उधर भी रह जाता है, तो इसको इतना बड़ा करना है कि यहाँ तक आ जाए नाले तक। अल्हम्दुलिल्लाह जी तारिक साहब ने ना इसमें लगाया था पानी और इसको पानी लग चुका है। ये वाला हिस्सा जो है ना ये काफ़ी ये आप पूछ रहे थे ज्यादा गहरा पानी है। क्यों लगाया इसमें, ऊपर तरोकना है मैंने कहाँ पे? इसके ऊपर, ये अभी बेड बनाता हूँ ना सही। उधर खड़ा होकर फिर ऐसे तरोकना तो है। अभी माशाल्लाह से ये वाली जगह चेक करें जहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा हुआ था, ये इतनी ज़्यादा ख़राब थी और अभी काफ़ी सारी मेहनत के बाद अब इतनी अच्छी बन गई है और इसमें काफ़ी सारा पानी हो गया। बस अब हमारा यहाँ पे थोड़ा सा कचरा पड़ा हुआ है, इसकी भी वो सफाई भी अभी करके करते हैं सफाई, इसको भी हम उस साइड पे कर देंगे, क्योंकि जाहिर बात है यहाँ पे हमारा बनना है किचन, तो ये हिस्सा जो है ना ये बिल्कुल ऐसे साफ़ सुथरा होना चाहिए। शेरू के काम चेक कर लें,
ये नहाना आके थकता नहीं, अभी यहाँ पे पानी भरा है, यहाँ पे आके बैठ गए। हाँ जी, बच्चों की तरह बस इसका यही काम है, नहाना खाना पीना और बस चलना फिरना। और बगले देखें ऐसे लाइनों में बैठे हुए हैं सारे एक एक करके ना। ये गहरी है जगह तो, साथ में ना साथ वाली चीज़ें जो है ना ये चुनते रहते हैं। ये घास है, ये वो दूसरी घास होती है, ये जड़ों वाली ना, ये सही नहीं होती है, ये ज़मीन को ख़राब करती है ना तारिक साहब। जक्कड़ बना देती है, हाँ जी, सख्त हो जाती है जमीन। सख्त काफ़ी कर देती है, लेकिन यहाँ पे ज़मीन ये सख्त नहीं हो सकती, यहाँ पे रेत है ना। तो ये जगह हमारे घर की साइड वाली जो है ना, ये काफ़ी ख़राब रहती थी, और अभी देख कितनी प्यारी बन गई है। फिलहाल यहाँ पे गर्मी जो है ना वो भी है, क्योंकि रेत गर्म हो चुकी है। बस आपको कोई बर्तन ला के दूँ, आप इधर पानी का छट्टा लगाएं। अभी नहीं लगती क्या? अभी इसका लेबर होगा, फटे किधर, फिर उसके बाद इसके ऊपर मिट्टी आएगी, मिट्टी कुटाई होगी, फिर पानी लगेगा। सही, यहाँ पे तारिक साहब जो है ना वो हमें कोई नया आइडिया देने वाले हैं दरवाजे का। यहाँ पे लगेगा हमारा दरवाज़ा दरमियान में, क्योंकि दरमियान में काफ़ी ये अच्छा पिलर लगता ऐसे है। ही खड़ा रहेगा, यहाँ पे एक पिलर और आगे। ये वाला खड़ा रहेगा, और वो साथ वाला पिलर गिराना पड़ेगा, कौन सा? वो साथ वाला। वो भी खड़ा रहेगा, इधर एक पिलर छोटा सा बनेगा। सही, फिर इसको मजबूती से लगाएंगे इस दफ़ा, क्योंकि ये गिरना नहीं पिलर चाहिए। बनाने का मकसद ही यही है ना, अभी ये दीवार पे तो नहीं हम लगा सकते, सही, इसकी अच्छे से लंबाई हो जाएगी, फिर इसमें ये बड़ा ज़बरदस्त लगेगा। ये ठीक नहीं है यहाँ पे दरवाज़ा? ठीक हो गया। अभी यहाँ से वैसे कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से अभी जाके कुछ नज़र आया। अभी तारिक चलो साहब अगला नज़र, काम कर ले तो सेकंड टाइम फिर सेकंड दिखाएंगे। टाइम दिखाएंगे ना कि यहाँ से कैसे होगा। तो मैंने अपना काम जो है वो कर लिए, बर्तन वगैरह धो के रख लिए, पानी दूध पिला भी के फिर उबाल लिए, मिट्टी मारा होगा। अभी तारिक साहब को पिलाते हैं पानी। आज ट्रैक्टर हमारा उस साइड पे खड़ा हुआ है, और ये भी सारी सफाई वगैरह जो है वो कर दिए, ताकि नेक्स्ट शाम को चारा जो है ना उसकी कटाई करते हैं, तो फिर यहाँ पे जगह जो है साफ़ होनी चाहिए। तो माशाल्लाह जी, यहाँ पे हमारा जो ये एक थड़ा बोलेंगे या थला जो भी बोलेंगे ना, तो ये हमारा बन चुका है। इसके ऊपर ना रेत पे पानी डाल दिए, एक दो दफ़ा और पानी डालेंगे, ताकि ये रेत जो है वो अच्छे से बैठ जाए, क्योंकि अगर ये अच्छे से बैठी ना ना, तो फिर हमने ऊपर से मिट्टी डालनी है, तो बाद में वो नीचे जाती रहती है, जैसे इसकी जाती रहती है, क्योंकि ये हमने फ़ौरन रेत डाली थी, ऊपर से मिट्टी डाल के लिपाई कर दी थी, फिर हम लोग यहाँ पे हुए थे शिफ्ट, इस वजह से ये फिर अभी भी नीचे चला जाता है। तो हमारी कोशिश है कि क्योंकि इसको हमने बिल्कुल ऐसे नीट साफ़ सुथरा रखना है, तो इसलिए बार बार इस पर पानी लगा के ना इसको अच्छे से बिठाएंगे, और उसके बाद इसके ऊपर डालेंगे मिट्टी। एक दफ़ा पानी डाल दिया, अभी मैंने तारिक साहब से बोला है कि अभी बाकी का काम सेकेंड टाइम करेंगे, क्योंकि धूप जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो। एक तो हमने गारा जो है वो भी बनाना है इंशाल्लाह, कल अपने कमरे का जो अंदर से है ना वो भी लिपाई करनी है, क्योंकि ये हमने एक ही बार किया था जब बनाया था, उसके बाद इसके अंदर से लिपाई नहीं की, तो शीट की जो है काफ़ी सारी सहूलत होगी हमें, जो हमने शीट डाली हुई है नीचे, जिसकी वजह से वो ख़राब नहीं हो। तो यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ सालन आलू और गोभी का। आप सभी भी कहेंगे कि आप रोज़ ही बनाते, रोज़ तो नहीं बनाती, तकरीबन 1.5-2 हफ्ते हो गए जब हमने आलू गोभी बनाई थी, तो रात को हमने नहीं बनाई है। तो अभी मैं बना रही हूँ दोपहर के खाने में आलू और गोभी का सालन। प्याज फ्राई होने के लिए रख दिया, और यहाँ पे अदरक लहसुन जो है ना इसका मैंने कहा पेस्ट बना लेते हैं, क्योंकि आलू और गोभी के सालन में हम लोग तो अदरक लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो प्याज हमारे जो है ना वो तो फ्राई हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अदरक और लहसुन जो है कूटते हुए मेरा जो है ना ये हमारी कुंडी जो है ना वो फ्लॉप हो चुकी है, नीचे से टूट गई, और सारा अदरक लहसुन मेरा जो है ना वो नीचे ही गिर गया। बस अभी जल्दी से, हाँ अभी नीचे उतारते हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी डालना।
तो अभी मैं और लहसुन और अदरक बनाती हूँ और फिर उसका पेस्ट बनाते हैं हमसायों से ना, ये कुंडी लेकर। तो यहाँ पे मसाला जो है उसको अच्छे से तैयार करने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिए थे आलू। तो आलू को थोड़ा सा मैंने पका लिया और अब हम इसमें डाल देंगे गोभी डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। बस दफ़ा ना बात करते हुए ना बात होती नहीं एक बात को दो दफ़ा बंदा कह जाता है। और सब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे इनके साथ, आलू के साथ। तो सालन जो है वो मैं तैयार करती हूँ। अभी तारिक साहब जो है उनका टाइम हो गया है फजर को स्कूल से लेने का। तो आजकल अभी सर्दियाँ शुरू होने वाली है ना, तो दिन जो है वो काफ़ी छोटे हो गए हैं, काम करते करते पता ही नहीं चलता, टाइम इतना हो जाता है। अभी 1 बज गए तो तारिक साहब जाएंगे फजर को लेने के लिए स्कूल से, और उसके बाद फिर हम लोग सेकेंड टाइम फिर से अपना लगेंगे इस काम पर। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे सालन हमारा जो है ना वो हो चुका है तैयार बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। वजह इसकी कि हम इसको बार बार हिला के सारी सब्ज़ी जो है ना उसको तोड़ फोड़ कर देंगे। हम इसमें डालते हैं ये खुश्क मेथी और साथ में हरा धनिया, जिसकी बहुत ही ज़बरदस्त बहुत खुशबू होती है। और अब हम इसको उतार देते हैं नीचे। तो इस टाइम जी मैं धो रही हूँ कपड़े। हांडी जो है वो मैंने बना के रख दिया और तारिक साहब गए हैं फजर को स्कूल से लेने के लिए। मैंने कहा कपड़े जो है वो धो लेते हैं और जब वो आएंगे और उसी टाइम फिर हम लोग अपना खाएंगे दोपहर का खाना। तो कपड़े जो हैं रोज़ के रोज़ ही बन जाते हैं, मोटर चल रही होती है और फिर मैं इनको सर्फ़ डाल के भिगो के धो लेती हूँ, फिर टेंशन नहीं होती है। ज़्यादा कपड़े बन जाए तो फिर ऐसे बोझ बना रहता है इसलिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी कपड़े जो है वो मैंने धो लिए हैं, बस फजर बेटी और तारिक साहब का हो रहा था इंतज़ार, तो वो भी आ चुके हैं। फजर जब भी आती है ना सोई तो इस टाइम जी तकरीबन बज चुके हैं 4 और बच्चे फजर बेटी जो है वो भी स्कूल से आ गई और तारिक साहब भी आ गए थे। फिर उनको मैंने दिया खाना, तारिक साहब ने कहा चाय बना के दें तो उनको चाय वगैरह हमने मैंने बना के दी। और अभी हम लोग लग चुके हैं फिर से अपने काम पे। तो इस साइड पे हमारा जो है ये मट्टी का क्या इसको कहेंगे पूरा एक गान ऐसे ना बहुत बड़ा सारा, तो वो तैयार हो चुका है। बस अब हमने इसमें डालना है पानी, इंशाल्लाह कल लिपाई करेंगे। तो हमने कहा अभी इसमें पानी डालेंगे तो कल तक ये मट्टी जो है वो अच्छे से क्या हो जाएगी तारिक साहब, मट्टी जो है वो अच्छे से नरम हो जाएगी। मैं बातें भूल जाती हूँ फिर तारिक साहब बताते हैं। अभी मैं खुद व्लॉग बना रही थी और वो इधर बैठे हुए थे तो मैंने इनसे पूछा कि आगे क्या लफ्ज़ बोलना है, बस दफ़ा इंसान अल्फाज भूल जाता है ना। तो तारिक साहब जो है ना वो ये हमारे पास एक ना कैन पड़ी हुई थी, ये ठीक नहीं थी यानी कि ना ख़राब थी, वैसे इस्तेमाल में नहीं आती थी। तो उन्होंने ये बनाई है इसमें पानी डाल के भर के इधर करने के लिए ना। तो अब हम इसमें ना पानी डाल लेंगे। ये काफ़ी बड़ा सारा हमने बनाया है, सुबह हम लोग तूड़ी जो है वो लेकर आए थे फिर इसमें, हाँ जी मट्टी और तूड़ी जो है वो इसमें हमने मिक्स कर दी है, हाँ जी सुबह जो उधर निकाल के रखी थी ना। बस अब इसको भर देंगे पानी के साथ अच्छे से, हाँ जी उधर से बनाइए। अब आपने कपड़े नहीं ख़राब करने क्योंकि आप आई हो ना, तो फिर मैंने आपको नए कपड़े पहनाए हैं ना। ये जब स्कूल जाती है तो उस टाइम तकरीबन 3 घंटे होते हैं, इसके बाद 3 घंटे में ये 2 सूट जो है वो ख़राब कर लेती है, एक अभी करेगी एक थोड़ी देर बाद चेंज करके। इसलिए मैंने इसको मना किया कि आप ना पीछे चली जाओ। फजर बेटी लेकर आओ वो क्वेश्चन आंसर जो आपको मिला है, जल्दी करो शाबाश। और कल इंशाल्लाह फजर का जो है ना टेस्ट है, तो इसलिए मैंने कहा चलो तैयारी आप कर लो और हम लोग अपना काम कर लेते हैं। ये काफ़ी बड़ा है तो मैं भी तारिक साहब के साथ ना हेल्प करवाती हूँ बजाय कि वो अकेले लगे रहें, क्योंकि अभी मोटर जो है वो बंद होने वाली है और ये काम भी सेकंड टाइम वो किधर जा रहा है उधर दूर से शायद नज़र नहीं आया, मकई से निकला है। मैंने कहा गिदड़ निकला हुआ था मकई से बाहर, ठहरो मैं चार पाई खींचती हूँ। इधर सो रहे हैं ना सभी, सो रहे हैं आराम फरमा रहे हैं
इनको कुछ कहना नहीं है ना, ये ले सोए रहे। नहीं कि फजर बेटी आप अपना काम करो, ये दरांती मैं उठा लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को पता नहीं चलता, ये बस इधर उधर करते रहते हैं। तो ये हैं जी फजर के क्वेश्चन जो इसको मिले हैं, ये वाले सारे। विच इज़ आवर नेशनल एनिमल, विच इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज, विच इज़ आवर नेशनल ड्रेस, और ये सारे सारे। अभी तैयार करो बैठ के, हैं बैठ जो अभी मैंने आपसे सुनने हैं, ठीक है? कई तो यहाँ पे तारिक साहब ने ना इसमें पानी डाल दिया है, और अब इसको जो है बस पीती रही हो कि मैं डालती हूँ। अभी मैंने कहा एक बंदा काम कर रहा है ना, मैं घर के बाकी काम करके थक जाती हूँ ना, इसलिए अभी मैंने कपड़े भी धोए थे, घर के बाकी काम किए। कस्सी पता नहीं शायद वो ढूंढनी पड़ेगी, इधर उधर कहीं पे होगी। तो इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, टपरना। इनके अपना तारिक साहब जो है ना वो इसको मिक्स कर रहे हैं। और तारिक साहब इसमें वो आई है ईंट का इधर छोटा सा बारीक सा ना रोड़ा सा है, ऐसे करके ये मछली जो है ना वो हमारी बनी। तो इसमें मिट्टी जो है वो कम है, ज़्यादातर ना तूड़ी है, इसलिए अभी तारिक साहब इसमें मिट्टी और डाल रहे हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा जो घर हमने बनाया था ना उसमें भी सेम ऐसे ही था, मिट्टी जो है वो कम थी और तूड़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ना सफाई भी नहीं आ रही थी। बाकी तूड़ी वो तो बहुत मोटी थी, अभी आज हमने जो उठाई है वो बारीक है, इसमें मोटे मोटे डंडे नहीं हैं, इसलिए अब मिट्टी और डाल के फिर मिक्स करेंगे। तो इस टाइम ना तारिक साहब जो हैं वो मिट्टी जो है वो बना रहे हैं, तो हमारा जो किचन का वो थोड़ा सा हमने बनाया ना वहाँ पे मिट्टी डालने वाली है, इसलिए फिर मैंने कहा मैं रेडी लेकर आती हूँ और इसमें हम वहाँ से मिट्टी डालते हैं, क्योंकि वो मिट्टी ज़्यादा अच्छी नहीं है लिपाई के लिए, तो ये तो हम सारी लिपाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो रेडी को लेकर जाते हैं वहाँ पर और उसमें मिट्टी डालते हैं और फिर लेकर जाएँगे अपने उस किचन वाली जगह पर। ये आसान रास्ता है। तारिक साहब बोल रहे थे कि इधर से दरवाज़ा जो है ना निकाल लेते हैं, मैंने कहा नहीं, मम्मा जी, जब तक वो वाला दरवाज़ा सेट नहीं होगा ना, उसको बंद नहीं करेंगे तब तक ये नहीं निकालना। हाँ जी मम्मा जी, धूप चलेगी, धूप चलेगी, इधर छांव है, देखो सुकून है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, बहुत ज़्यादा तो नहीं डालनी, एक एक लेयर डालेंगे और उसके ऊपर फिर लिपाई होगी। मम्मा जी कब लिपाई करनी है इसको? लिपाई भी इंशाल्लाह करेंगे जल्दी। चलो अभी हम इसको साइड से लेकर आते हैं। रेलगाड़ी नहीं, बैठ जाओ इसमें। नहीं अभी तो यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह सारी मिट्टी जो है वो हमने डाल दी है और तारिक साहब ने उस साइड पे किया है लेवल, और एंड पे दो रेड़ियाँ मेरी रहती थी और मेरे पाँव पे ना ये लग गई है। उस टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ, लेकिन इनका वीडियो में बिल्कुल नहीं रोना, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें ना बस होती रहती हैं। पाँव पे काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई, अभी ना इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा, लेकिन बाद में जो है ना इसकी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। बाकी हमने ये वाला सारा जो है एरिया अपना सेट कर लिया, इस पर मिट्टी डाल ली है, तो इंशाल्लाह बस अब इसकी लिपाई होगी और फाइनल फिर इस पे ना किचन की तैयारी होगी। बस ये वाली एक रेड़ी हमारी रहती थी, तो इसको हमने कहा कि इसको बखेर लेते हैं। तारिक साहब ने ये वाली सारी जो है बखेरी है, इसका लेवल सेट किया, अभी बच्चे खेल रहे हैं, खेलते रहेंगे थोड़ा बहुत तो ये और नीचे ना बैठ जाएगी। बाकी ये आखिरी रेड़ी है, इसको भी बखेर लेते हैं। और आज का जो हमारा व्लॉग है वो बस काफ़ी मेहनत वाला था और तकलीफ़ वाला बाद में बन गया, जब रेड़ी ज़ोर से लगी है ना इसके वो नीचे पाँव मैंने ऐसे ऊपर करके खड़ी की है ना, तो मुझे तो शायद ये रुक जाएगी अभी, क्योंकि मैं पहले भी ऐसे कर रही थी लेकिन उसका बैलेंस ठीक नहीं रहा, वो ऐसे करके गिरी है और ये वाला हिस्सा मेरे पाँव पे लग गया। फिर जल्दी से तारिक साहब ने फिर उठाई, लेकिन फिर भी जो है ना चलें खैर। बाकी अब
आज को हमारा जो व्लॉग है ना उसको हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह अभी मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।